मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंचा शख्स, शराब पीने से रोकने पर की हत्या। आगरा में यमुना पार के कचपुरा इलाके में महिला की हत्या कर उसका पति फरार हो गया। महिला का सिर कटा धड़ ही घर में मिला। पुलिस उधर उसकी तलाश करती है और वह पत्नी का कटा हुआ सिर कनस्तर में रख कर थाने पहुंचा। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। आरोपी शराब पीने का आदि है। पत्नी रोकती थी तो उसे मारता था। रविवार शाम 7:30 बजे नरेश शराब पी रहा था। पत्नी ने रोका तो गाली गलौज करने लगा, बर्तन फेंक दिए। इसके बाद पत्नी को बच्चों वाले दूसरे कमरे में खींच कर ले गया। वहां धारदार शस्त्र से गला काट कर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सिर को लेकर फरार हो गया। जिस कमरे में शव पड़ा था उसमें ताला लगा कर चाबी वही छोड़ गया। सुबह बच्चे उठे तो उन्हें माँ नहीं दिखी। बड़ी बेटी पायल ने भाई अंकित को दरवाजे के ऊपर से कमरे में घुसाया, तब हत्या की जानकारी हुई। इसके बाद स्वजनों ने पुलिस बुलाई। पुलिस सोमवार सुबह आरोपी और महिला के गायब सिर की तलाश में जुट गई। हत्या के बाद आरोपी पति ने कमरे से सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। हत्या के बाद साफ किया फर्श, उसने खून से सने धारदार हथियार को भी धोया। इस घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। इधर पुलिस आरोपी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही तो उधर आरोपी सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके हाथ में पत्नी का सिर था। हत्या आरोपी को देख पुलिस कर्मी भी सकते में आ गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।